कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन यह निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं, मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त तो करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरह आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, उसका समय पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है।